गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड पार्ट आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज अनसिनेबल यानी जिसे देखा ना जा सके उसको देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि एटम जिसे हम देख नहीं पाते नग्न आँखों से, मॉलिक्यूल जिन्हें हम देख नहीं पाते, उन्हें देखने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबक की तरंगों का उपयोग करते हैं। ये विद्युत चुंबक की तरंगे किसी एटम या मॉलिक्यूल जो कि बहुत ही छोटे होते हैं उनसे टकराती हैं, उनमें अब्जॉर्प्शन या उत्सर्जन की घटना होती है और हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है या हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है उस एटम या मॉलिक्यूल के बारे में। इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में अध्ययन करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम मेनली देख रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आई यानी इंफ्रा और आर यानी रेड। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जिस तरंग दैर्ध्य का या तरंग का हम उपयोग करते हैं वो इंफ्रा रेड रीजन की होती है। इंफ्रा रेड लाइट को हम किसी मॉलिक्यूल पे या किसी एटम पे डालते हैं, वैसे मॉलिक्यूल पे डालते हैं क्योंकि दो मॉलिक्यूल होंगे तभी कोई बंद होगा और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का संबंध बंद से है। मॉलिक्यूल पे डालते हैं, उस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस मॉलिक्यूल के बॉन्ड के साथ किस प्रकार के इंटरेक्शन है इसकी स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आई इंफ्रारेड रेडिएशन यानी तरंगे जब दो एटम के बीच उपस्थित किसी बंध से अब्जॉर्ब की जाती हैं तो स्पेसिफिक टाइप का अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करती हैं। क्योंकि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किसी बंध के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो इसका उपयोग हम मेनली क्रियात्मक समूह के लिए करते हैं। क्यों? दो एटम सेम हैं तो उनके बीच में बंध अलग होगा, दो एटम अलग अलग हैं तो उनके बीच में बंध अलग होगा, सिंगल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध, इन सबको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा अलग अलग पहचान सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन कहाँ से कहाँ तक है? अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रीजन या क्षेत्र की हम बात करें तो वो है ₹800 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक? 800 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक। इस आईआर रीजन को तीन पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहले वाला रीजन है वो नियर आईआर, फिर मिडिल आईआर और फार आईआर। ज़्यादातर हम जो देखेंगे इसमें ये सेकंड नंबर वाला मिडिल आईआर को स्टडी करेंगे। नियर आईआर की रेंज है 0.8 से 2 माइक्रोमीटर, मिडिल आईआर की रेंज है 2 से 15 माइक्रोमीटर और फार आईआर की रेंज है 15 से 100 माइक्रोमीटर। इसमें जो मेनली आईआर रेडिएशन अब्जॉर्प्शन की घटनाएं होती हैं वो मिडिल आईआर रीजन दूसरे नंबर वाले में होती हैं। ये बंद के द्वारा आईआर अब्जॉर्प्शन की जो रेंज है वो यहाँ अब बताई गई है कि सामान्य तौर पे आईआर तरंग का जो अब्जॉर्प्शन किया जाता है कोवरेंट बॉन्ड द्वारा वो 600 से 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स में किया जाता है। आप ये देखिए 600 से कहाँ तक है? 4000। और नीचे स्केल क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर को हम किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर इन्वर्स में। और इस तरफ हम क्या दे रहे हैं? परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। आगे क्वेश्चन आएगा कि आईआर के ग्राफ होते हैं उल्टे क्यों होते हैं? आईआर में ऐसे ग्राफ मिलेंगे आपको, यूं यूं ये इस तरह के ग्राफ मिलेंगे, तो उल्टे ग्राफ क्यों हैं? देखिए उल्टे ग्राफ से मेरा मतलब क्या, अगर ग्राफ ऐसे हो तो ये हो गया सीधा ग्राफ,
है ना। और अगर ग्राफ ऊपर से चल रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर इस तरह से जो ग्राफ आते हैं वो हैं उल्टे ग्राफ। उल्टे ग्राफ क्यों होते हैं, आप देखिए यहाँ है ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ वेव नंबर बढ़ रहा है। तो ग्राफ ट्रांसमिटेंस का नहीं आता है, ग्राफ आता है अब्जॉर्प्शन यानी ट्रांसमिटेंस का विद क्रमानुपाती उल्टा का। तो अब जब इस तरफ ट्रांसमिटेंस बढ़ रही है तो अब्जॉर्प्शन तो नीचे की तरफ ही बढ़ेगा ना, तो इसलिए IR में ग्राफ आएगा उल्टा, ठीक है। अब IR के में जो सामान्यतः बंद है वो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए ये शुरू का जो रीजन है 600 से 1400 सेंटीमीटर इन्वर्सल, इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, क्योंकि इसमें बंद में छोटी से छोटा चेंज भी हम ज्ञात कर सकते हैं। कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो सिंगल बंद है इनमें थोड़ा सा भी वाइब्रेशनल चेंज आता है, वाइब्रेशनल के कारण इनके डायपोल मोमेंट में चेंज आता है, तो उसको भी इस रीजन में ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसे हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। डबल बंद वाला रीजन ये है 1600 से 1800 के बीच, ट्रिपल बंद वाला आप 2200 से 2400 के बीच में ले सकते हैं। अगर 2200 से 2400 के बीच में शार्प बैंड प्राप्त होता है IR में तो डेफिनेटली या तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। और ये जो है लगभग 3000 से 3400 वाला रेंज, इसमें सिंगल बंद आ रहे हैं। अब देखिए एक तो सिंगल बंद यहाँ आ रहे हैं बहुत कम में, एक सिंगल बंद यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो सिंगल बंद ये वाले सिंगल बंद है ना ये वाइब्रेशन के कारण आए हैं, इसलिए इनकी एनर्जी कम है, जबकि ये वाले जो सिंगल बंद हैं ये स्ट्रेचिंग के कारण आए हैं इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग और कार्बन हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग, ओके। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राफ आ रहा है किसमें, वेव नंबर और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में, लेकिन वो ग्राफ शो क्या करेगा, वो ग्राफ अब्जॉर्प्शन को शो करेगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है जी। अब इंस्ट्रूमेंट में आप ध्यान से देखिए क्या क्या है। देखिए यह है सोर्स जो IR वेवलेंथ देता है, ये वाला है अब मिरर जहाँ हमारा सैंपल है, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में यहाँ से टकरा के फिर यहाँ हमारा सैंपल है रखा हुआ, और फिर ये डिटेक्टर के पास आ जाएगी। यानी कि मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये सोर्स है जिससे IR रेडिएशन स्टार्ट हुई, ठीक है, ये यहाँ गई, इस यहाँ से ये मूविंग मिरर के पास गई, फिर ऑप्टिकल बेंच से टकराई, ऑप्टिकल बेंच से टकराने के बाद फिर ये टकराएगी सैंपल से, और सैंपल से टकराने के बाद में फिर जो आएगी वो डिटेक्टर में आएगी। ये डिटेक्टर से हमें इंटरफेरोग्राम प्राप्त होगा जो कंप्यूटर में हमें इस तरह के ग्राफ के रूप में दिखाई देगा। देखिए सोर्स जहाँ से IR रेडिएशन स्टार्ट होती है इस डायरेक्शन में जाती है, बीम स्प्लिटर से टकराती है, बीम स्प्लिटर के बाद में ये मूविंग मिरर है यहाँ से, उसके बाद आई ऑप्टिकल बेंच के यहाँ, ऑप्टिकल बेंच के यहाँ से टकराने के बाद सैंपल, सैंपल को क्रॉस करके फिर यहाँ मिरर से टकराते हुए फिर डिटेक्टर के पास में, डिटेक्टर में से हमें इंटरफेरोग्राम प्राप्त होगा जिसको कंप्यूटर एक सिंपल ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा, जो कि वेव नंबर और ट्रांसमिटेंस के बीच होगा, लेकिन वो शो करेगा अब्जॉर्प्शन, ओके। इसको हम और यहाँ देख सकते हैं, आप ये देखिए इसमें, देखिए यहाँ से रेडिएशन आ रही है, ये मिरर है, इससे टकराई बीम स्प्लिटर, तो एक तो यहाँ जाएगी फिर ये यहाँ जाएगी, तो ये तो स्टैटिक है और ये मूविंग है, ये मिरर तो मूव कर रहा है और ये वाला मिरर रुका हुआ है, यहाँ हमारा सैंपल है रखा हुआ और सैंपल के बाद है फोटो डिटेक्टर, सैंपल ये यहाँ रखा हुआ है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, सैंपल कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करेगा सैंपल से के बाद में जो किरणें आएंगी ना उसको डिटेक्ट करेगा,
और फिर डिटेक्टर से जाएगा कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में फिर हमें ग्राफ प्राप्त हो जाएगा इस तरह का, है ना। अब आईआर रेडिएशन के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? आईआर रेडिएशन के जो सोर्स हैं वो कोई इनर्ट सॉलिड होगा जिसको हम 1500 से 2200 केल्विन तक गर्म करेंगे। ये जो इनर्ट सॉलिड होता है ये गर्म होने के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट करता है। अब वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बनते कैसे हैं? उस सॉलिड के अंदर जो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं उनके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण उसमें थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। उस थर्मल एनर्जी के कारण हमें आईआर रेडिएशन मिलती है और वो जो सॉलिड काम लेता है ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, यानी जलना, जैसे कि कोई धातु की रोड है वो जल रही है। इसके कॉमन सोर्स के रूप में हम नर्नस्ट ग्लोवर काम में लेते हैं, ग्लोबलर इनकैंडेसेंट वायर भी काम में ले सकते हैं, सबसे ज़्यादा हम नर्नस्ट ग्लोवर काम में लेते हैं। डिटेक्टर के रूप में, देखिए क्योंकि टेम्परेचर बड़ा है यहाँ, ये देखिए टेम्परेचर जो है वो 1500 से 2200 केल्विन में हमने लिया है, यानी कि डिटेक्टर भी ऐसा होना चाहिए जो टेम्परेचर चेंज को ईजिली डिटेक्ट कर ले। तो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर हम काम लेंगे वो क्या होंगे? टेम्परेचर थ्रेड, थर्मल ट्रांसड्यूसर, पायरो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, फोटो कंडक्टर। थर्मल ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो तापमान चेंज के परिवर्तन को डिटेक्ट करते हैं। ये जो पायरो इलेक्ट्रिक है, पायरो यानी कि टेम्परेचर चेंज के साथ इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल प्राप्त होना, ये पायरो इलेक्ट्रिक जो पदार्थ होते हैं ये तापमान चेंज के साथ इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करते हैं। उसके बाद फोटो कंडक्टिंग ट्रांसड्यूसर, देखिए प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मेनली है क्या? देखिए दो एटम होते हैं, एक एटम दूसरा एटम, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये माना जाता है कि ये एक एटम एक बॉल के रूप में बिहेवियर कर रहा है, मान लो इसको हम बी मान लेते हैं, ये एटम भी एक बॉल के रूप में बिहेवियर कर रहा है, इसको ए मान लेते हैं, और इनके बीच में जो बंध है ये स्प्रिंग के रूप में बिहेवियर कर रहा है जी। तो जो मॉलिक्यूल है वो दो एटम जो कि बॉल के रूप में और उनका बंध है वो उनके बीच जो केमिकल बंध है स्प्रिंग के रूप में बिहेवियर कर रहा है। अब इन एटम्स में जब वाइब्रेशनल होंगे तो वाइब्रेशनल के कारण ये आईआर इस रेडिएशन को अवशोषित करेंगे, जिसके कारण जिस आईआर रेडिएशन को जो ऑब्जर्व करेंगे उसको फिर हम आगे किससे पता लगाएंगे? डिटेक्टर से, जिसमें थर्मल ट्रांसड्यूसर, पायरोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर काम में लेते हैं, ठीक है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूल होता है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? देखिए मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, तीनों एनर्जियाँ मिलके किसी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी बनती हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये देखते हैं कि कोई मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रीजन में किस तरह से अब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है, लेकिन वो जो अब्जॉर्प्शन होगा इंफ्रारेड रीजन में वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के कारण होगा, इसीलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। देखिए कोई मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? वो मेनली तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। क्या डिपेंड कर रही है? कोई मॉलिक्यूल आईआर की कौन सी फ्रिक्वेंसी, आईआर रीजन में कौन सी फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। पहला, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उनका मास कितना है उस पर, ठीक है, यानी कि वो मॉलिक्यूल के एटम कितने भारी हैं। दूसरा, उन एटम के बीच में जो बंध है वो बंध कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, सिंगल बंध है, डबल बंध है, ट्रिपल बंध है। तीसरा, मॉलिक्यूल में जो एटम है उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है, किस प्रकार से एक मॉलिक्यूल में किस प्रकार से एटम अरेंज्ड हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो तीन चीज़ें हुई, पहला कि मॉलिक्यूल में जो एटम है उनका भार क्या है, दूसरा एटम के बीच में बंध किस प्रकार का है, तीसरा मॉलिक्यूल में एटम किस प्रकार से व्यवस्थित है। इन तीन चीज़ों पे निर्भर करेगा कि वाइब्रेशन किस प्रकार के होंगे, तो वाइब्रेशन एनर्जी कौन सी अब्जॉर्ब की जाएगी और कितनी अब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक है।
इसको हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के द्वारा भी देख सकते हैं। कोई जो दो एटम के बीच में बंद होता है, अब दोनों एटम जब दूर जाते हैं तो वो एटम बंद के द्वारा आकर्षित होते हैं और पास पास आ जाते हैं, लेकिन जब एटम बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर वापस रिपेल यानी कि दूर दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको इस ग्राफ से हम समझाते हैं। देखिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दो एटम के बीच की दूरी को ये बता रहा है। तो दोनों एटम जब पास आएंगे तो प्रतिकर्षण के कारण वापस दूर जाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब दूर जाते हैं तो बंद उनको दूर जाने नहीं देता तो वापस तो खींच के पास आ जाता है। यह पोटेंशियल एनर्जी है। यह पोटेंस जब दूरी बढ़ती है तो जैसे जैसे दोनों की दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल बढ़ेगा, और जब पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और एक पॉइंट पर आके काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा हम और इसकी दूरी बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगती है, क्योंकि आकर्षण फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जब पास थे तब तो प्रतिकर्षण के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब दूर जाते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, इस पॉइंट से जब ये पास जाते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि दो एटम पास पास आ रहे हैं, और जब दूर जाते हैं तो आकर्षण के कारण एनर्जी बढ़ती है, लेकिन इस पॉइंट से अगर ये और दूर चले जाते हैं तो वो बंद टूट जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिसोसिएशन एनर्जी। तो इस पॉइंट से और अगर दूर चले जाते हैं दोनों एटम तो उनके बीच का फिर आकर्षण ख़त्म हो जाएगा और वो बंद डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसे डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। इसके कुछ ऊर्जा स्तर हैं जिनको वाइब्रेशन क्वांटम नंबर या एनर्जी नंबर कहते हैं। वी बराबर जीरो, वी बराबर वन, वी बराबर टू, वी बराबर थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये एनर्जी लेवल हैं या वाइब्रेशन क्वांटम नंबर को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आईआर रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन क्यों होता है, कैसे होता है, और आईआर रेडिएशन में डिफरेंट टाइप यानी विभिन्न वाइब्रेशनल चेंज किस प्रकार आते हैं, वाइब्रेशन कंपन किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से तल में होते हैं, कौन कौन से तल के बाहर होते हैं, आउटसाइड स्ट्रेचिंग बेंडिंग, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। PDF में आपके WhatsApp ग्रुप में सेंड कर दूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।